टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह अपने एक दिवसीय दौरे पर टिहरी पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद को माला पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद सांसद ने डीएम ऑफिस के सभागार में जिला विकास समन्वय समिति और निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में सांसद ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए विकास कार्यों की प्रगति से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। इस दौरान कई सीनियर अधिकारी बैठक में न होने के चलते सांसद ने जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि अगर अगली बैठक में जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहे तो बैठक को कैंसिल किया जाएगा। साथ ही सांसद ने कहा कि बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहें। दिशा का बहुत ही अच्छी तरह से हुआ, ये पहला बार डीएम साहब का दिशा का बैठक हुआ है और मैंने 6 महीना या 5 महीने जो आए हैं डीएम साहब, उन्होंने जो अपना एरिया के लिए काम किए हैं और जो ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किया है, मैंने महसूस किया और देखा भी जो काम हुआ है डिपार्टमेंट्स का बहुत ही अच्छा है। एक तो वो जो हमेशा पीडब्ल्यूडी का प्रॉब्लम है, ये वाटर में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके लिए भी हमने बता दिया है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है और आज का बैठक बहुत ही अच्छे तरह से हुआ है और शायद हमारे सभी लोग सबके लिए हैं और सबका विचार वो आगे कर रहे हैं और निर्देश हमने ये दिया है कि जो काम होगा बीच में हम लोग को भी खबर होना चाहिए ताकि अगर कोई बीच में काम ठीक नहीं लगे तो उसका उसी टाइम कैंसिल करके दूसरे तरीका से करें। मुझे मत पूछ मैम, कुछ सीनियर अधिकारी नहीं पहुंचे हैं आपकी मीटिंग में, कोई दिशा निर्देश दिया आपने? तो वो तो मैंने बोला है कि नेक्स्ट टाइम इफ दे डोंट कम देन वी विल नॉट टेक द मीटिंग। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए सांसद राजलक्ष्मी ने कहा कि लंबे समय से डोबरा चांठी पुल की मांग हो रही थी, जो अब करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद की जा सकती है कि मार्च 2020 तक ये पुल पूरी तरह तैयार हो जाएगा और उसका उद्घाटन किया जाएगा और हमारे लोग बहुत खुश हैं, हम सब खुश हैं क्योंकि ये मेरा सबसे पहला, जब मैं MP बनी थी मेरा यही था कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम था डोबरा चांठी पुल का और मैं बहुत खुश हूँ और हमारे पूरे लोग ज़रूर खुश हैं क्योंकि ये एक ऐसे पुल था कि हमारे उत्तरकाशी टेहरी प्रतापनगर घनसाली को जोड़ने के लिए और ये कम्प्लीट होगा मार्च के एंड में या मार्च एंड में उद्घाटन होगा या उससे एक हफ्ता 10 दिन व्हाटएवर होगा, बहुत ही खुशी की बात है। धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा डोबरा चांठी पुल मुझे दे दीजिएगा क्योंकि मैं तीसरा बार सांसद बनी, तब से मैं इसी का प्रयास कर रही थी और हमारा प्रयास अब पूरा हो रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा खुश क्या होगा। धन्यवाद। आपको बता दें कि बैठक के बाद सांसद ने नवनिर्वाचित प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मुलाकात की और टिहरी के विकास को सुचारू ढंग से करने पर चर्चा की। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्यप्रकाश रमोला की रिपोर्ट।